इस वीडियो में हम बनाएंगे आसान से नाश्ते की रेसिपी। इसके लिए हमने दो कच्चे आलू को कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम एक कटोरी सूजी डालेंगे और उतना ही हम इसमें बेसन डालेंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला और गरम मसाले का पाउडर और टेस्ट के अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया का पत्ता। फिर सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब कढ़ाई में हमने तेल गरम किया है। इसमें हम एक चम्मच जीरा डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे। जब जीरा चटक जाए तब हम इसमें तैयार किए हुए मिक्सचर को डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए इस मिक्सचर के सूखने तक और एक डो बन जाने तक पकाएंगे। मिक्सचर का डो बनकर तैयार है। इसे एक हम प्लेट में फैला लेंगे और उसे ठंडा कर लेंगे। डो जो है वो ठंडा हो चुका है, इसे हम कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें हम एक एक करके सारे पीसेस को डालेंगे और दोनों साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे निकाल लिया है। अब इसी तरीके से हम बाकी बचे हुए पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी आसान सी नाश्ते की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हमने तीखी हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इसे आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। कच्चे आलू से बनी हुई आसान सी नाश्ते की रेसिपी को आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।